आज हम लोग के बीच मौजूद है मिस्टर दीपक रोशन जी बांद्रा जी, और ये सर बहुत दिनों से आपका ओबीडियंस डॉग ट्रेनिंग के ऊपर है, और सर आपका टाटा स्टील का स्टाफ है जी। सर आपका ये जर्नी सर कैसे स्टार्ट हुआ सर? सर मैं टाटा स्टील में 2013 में ज्वाइन किया था, और उसके बाद हम लोग का सिलेक्शन हुआ टाटा स्टील डॉग कैनल में। अच्छा, तो वहाँ हमारा ट्रेनिंग हुआ, जो हमारे मतलब बाहर बाहर अलग अलग स्टेट में बड़े बड़े ट्रेनर हैं वो लोग आके हमारा ट्रेनिंग दिए, हम लोगों को कैसे ओबीडियंस के लिए हमें डॉग तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना है। उसके बाद फिर हम लोगों को एक साल के ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को एक नया पपी दिया गया, और उसको हम लोग तैयार किए उसी के अनुसार। उसके बाद से ही हम लोग डॉग शो खेलना चालू किए जस्ट वन ईयर के बाद। अच्छा। तो तब से हमारा डॉग मतलब हर जगह चैंपियन भी हो रहा है, हर जगह जीत भी रहा है, तो बस यही है। और सर आपका डॉग मतलब डॉग ऑफ मतलब रिजर्व डॉग ऑफ द ईयर हुआ था जी, सर जी, तो जी। सर कौन से ईयर में सर हुआ था ये? 2019 और 20। अच्छा सर, ये जो आप ये फील्ड में आए जी, ये फील्ड में सर कैसे आए सर? देखिए, हम लोग पहले से ही डॉग लवर हैं, बचपन से ही डॉग लवर हैं, तो हम लोगों को वहाँ पर एक डिमांड था मतलब कि किसको किसको मतलब डॉग लवर है, कौन कौन मतलब ट्रेनिंग इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, तो उस तरह से हम लोग का सिलेक्शन हुआ उस लाइन में, और उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग किए डॉग को। अच्छा, और सर ये ओबीडियंस डॉग ट्रेनिंग एक डॉग ओनर के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप एक ये एक मतलब जैसे डॉग एक फैमिली मेंबर की तरह होता है, आप अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाई शिक्षा हर चीज़ के बारे में ज्ञान देते हैं, उसे पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसी तरह एक मतलब पेट जो घर में होता है उसे भी आपको ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। वो मतलब ओबीडियंस रहेगा तो आपका बात को सुनेगा, हर बात को मानेगा, है ना। वो बहुत पर्पस पे यूज़ होता है डॉग, सिक्योरिटी पर्पस पे यूज़ होता है। जैसे हमारा टाटा स्टील डॉग जो है वो सिक्योरिटी पर्पस पे यूज़ होता है। अगर हमारा ट्रेंड नहीं रहेगा तो वो तो हमारे आप बात को मानेगा ही नहीं जी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे सर हम देखे अभी आप लोग के पास बेल्जियम मेलिनोज है, आपका जीएसडी है जी, और जितने सारे सर वर्किंग क्लास का ग्रुप का जितने सारे डॉग है जी, ये लोग बाई ब्लड ये लोग में थोड़ा सा एग्रेशन रहता है जी। हाँ, तो आप लोग का ये ट्रेनिंग से ये कैसे नॉर्मलाइज होता है सर? देखिए, हर डॉग को एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जितना आप उसको एक्सरसाइज कराएंगे ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उस डॉग को कैसा बनाना चाहते हैं, फेरिशियस बनाना चाहते हैं या फिर उसे नॉर्मल पेट की तरह रखना चाहते हैं जो किसी को काटे नहीं भौंके नहीं उस तरह से, तो ये आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छा। जैसे हमारा सिक्योरिटी पर्पस का डॉग है, हमारे टाटा स्टील जो सिक्योरिटी विभाग का डॉग है, ये हम हर तरह से पेट्रोलिंग में जाता है, वो चोर डकैत मर्डर हर केस में जाता है, पुलिस के पेट्रोलिंग में भी जाता है। अच्छा, तो अच्छा। उस तरह का क्राइम डिटेक्ट करना वो सारे के अनुसार हम लोग को ट्रेनिंग करना पड़ता है डॉग को यही। तो सर ये आप लोग का जो ट्रेनिंग होता है ये उसमें सर क्या क्या कर लेता है आपका डॉग? हमारा डॉग जैसे हमारा टाटा स्टील का डॉग खासकर वो ओबीडियंस करता है, एजिलिटी करता है, पेट्रोलिंग करता है वो, फिर हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी में वो लोग परेड में भी जाते हैं, और पुलिस विभाग के तरफ से जितने भी डिटेक्ट मतलब ट्रैकिंग ड्यूटी के लिए उसमें भी जाते हैं, मर्डर चोरी डकैती सब में भी जाते हैं। अच्छा, तो ये सब डॉगों का आप लोग प्रैक्टिस मतलब कितना देर कराते हो? देखिए, अगर न्यू पपी है सर तो उसे ट्रेंड करने के लिए मतलब हर रोज़ ट्रेनिंग जरूरी है न्यू पपी को, लेकिन जब वो डॉग सब सीख लेता है सब कुछ जान जाता है ट्रेनिंग के बारे में, तब उस मतलब हर रोज़ ट्रेनिंग होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। अच्छा। उसे क्या रहता है कि डॉग एक्टिव रहता है, थकता नहीं है ऐसा है। और सर इन फ्यूचर ये जो आप लोग ओबीडियंस ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, ओबीडियंस डॉग शो होता है जी, तो इसमें इन फ्यूचर सर क्या क्या प्रोस्पेक्ट है हमारे टाटा स्टील का? टाटा स्टील का बोलिए चाहे आपका नॉर्मल जनरलाइज। अच्छा अच्छा, ये तो देखिए
एक्चुअली में ये सब और ज्यादा होना चाहिए। अभी ऑल ओवर इंडिया में ये चैंपियनशिप चल रहा है डॉग ऑफ द ईयर का, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है और लोगों में इसके लिए बहुत जागरूकता भी आ गई है कि मतलब हमें भी डॉग तैयार करना है, हमें भी ओबीडियंस के लिए तैयार करना है, ब्रीड शो के लिए तैयार करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर स्टेट में इसको लेके सभी लोग तैयार कर रहे हैं, अपने डॉग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये कलकत्ता खासकर हम लोग को बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डॉग लवर हैं, बहुत ज्यादा। तो ये सब अच्छी बात है। और सर इन फ्यूचर आप लोग और एक्स्ट्रा और क्या करोगे सर, इन फ्यूचर आप लोग का क्या प्रोग्राम है सर? देखिए सर, अभी क्या है कि डॉग का ट्रेनिंग का पैटर्न हर साल चेंज होता है। हाँ। मतलब कोई पुराना ट्रेनिंग पैटर्न से नहीं करना चाहता है, हर साल नया एक्टिविटी, नया फंक्शन ये सब होना चाहिए। मतलब हम लोग चाहते हैं कि डॉग को थोड़ा और एडवांस ट्रेनिंग दे, है ना। तो अब जैसे जो डॉग हम लोग ट्रेंड कर चुके हैं तो उस पर एडवांस हम लोग मतलब नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जब न्यू पपी लेंगे तो उस पर हम मतलब अच्छा। हाँ, नया ट्रेनिंग से पैटर्न से हम लोग करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर आप लोग तो नेशनल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया हर जगह आप लोग अटेंड किए हैं। जी जी। तो इंटरनेशनल पे जगह पे कुछ आप लोग का प्रोग्राम है ना आप लोग किए हो? देखिए सर, अभी टाटा मतलब हम लोग तो ऐसे टाटा स्टील एम्प्लॉय है ना, तो अभी हमारे टाटा स्टील से इस तरह से मतलब हम लोग को नहीं बोला गया है। अगर ऐसा कभी अगर चांस मिलेगा तो हम लोग जरूर जाना चाहेंगे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए, है ना। तो यही है। और सर क्या है कि जैसे इंडिया का मतलब कैनल क्लब ऑफ इंडिया, यहाँ का ट्रेनिंग और ओबीडियंस शो इसका पैटर्न अलग है, और फॉरेन कंट्री का जो ओबीडियंस शो है उसका पैटर्न अलग है। तो उसके लिए हमें डॉग को तैयार भी करना होगा। जी, वही जी, बात जी, है। जी, जी। बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। जी, आपको भी धन्यवाद। आपका और नाम हो और तरक्की हो, थैंक यही सर चाहते हैं। थैंक यू सो मच।